मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, वार्ड पार्षद 37, धनबाद नगर निगम। आज स्टार सिटी 24 न्यूज को मैं 3 वर्ष पूरे होने पर इस स्थापना दिवस पे उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से ये खबरों को, सही खबरों को प्रकाशित करते आ रहे हैं, आगे भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरह काम करते हैं। 351 दिनों में से धरना दे झमाड़ा आश्रितों ने बच्चों के साथ किया प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। धनबाद झमाड़ा कार्यालय के सामने पिछले 351 दिनों से अनुकंपा बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे झमाड़ा के आश्रितों ने 7 फरवरी के झमाड़ा के प्रभारी सह नगर निगम आयुक्त MD सतेंद्र कुमार का घेराव किया। आश्रितों का उग्र तेवर देखते हुए प्रभारी MD सतेंद्र कुमार ने नगर निगम के मुख्य द्वार पर ताला बंद कर रखवा दिया। बाहर अनुकंपा बहाली की मांग को लेकर सैकड़ों आश्रित अपने बीवी बच्चों के साथ नारेबाजी करते रहे। इधर धरने पर बैठे आश्रित मेहरबुल अंसारी ने कहा कि अविलंब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 28 फरवरी को आश्रित जन आत्मदाह करेंगे। निगम कार्यालय प्रदर्शनकारियों का निगम कर्मियों से कार्यालय में प्रवेश करने की बात पर बहसबाजी तूतू मैं होता रहा। मीडिया को जानकारी देते हुए अजहर अंसारी ने बताया कि अनुकंपा बहाली की मांग को लेकर पिछले 22 फरवरी 2022 से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। इन 351 दिनों में हमने झमाड़ा MD, झमाड़ा SDO, TA, उपायुक्त से लेकर नगर विभाग, विकास विभाग तक दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अब तक विभाग के द्वारा अनुकंपा बहाली को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अधिकारियों के द्वारा हमें छला जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि 351 दिनों से लगभग 50 से ऊपर परिवार नियोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। ऐसे में हमारे घर की माली स्थिति काफी दयनीय हो गई है, लेकिन अब तक बहाली की प्रक्रिया एकदम भी आगे नहीं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगर तत्काल प्रबंधन बहाली नहीं करती है तो आने वाले 28 फरवरी को झमाड़ा कार्यालय के प्रांगण में तमाम अधिकारियों के समक्ष आश्रित जन आत्मदाह करेंगे और इस दौरान आश्रितों को जो भी जान माल का नुकसान होगा और उसके परिवार के भरण पोषण का सारा दायित्व झमाड़ा प्रबंधन एवं राज्य सरकार का होगा। बता दें कि झमाड़ा कार्यालय के बाहर झमाड़ा के मृत कर्मियों के आश्रित 351 दिनों से धरना दे रहे हैं। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भी इस मामले को सदन में उठाया था। मामले को लेकर निगम के नगर आयुक्त सह झमाड़ा प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने से भी मुलाकात की थी, लेकिन अब तक कोई भी सुगबुगाहट नहीं हुई है। हम लोग आज सुबह से ही हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के बीच पे आंदोलन करते हुए झमाड़ा प्रबंधक के MD से हम लोग मिलने गए, जो कि वो मिलने नहीं चाहे हम लोग से। वो अंदर से ताला मारकर दोनों गेट को जाम कर दिए। 10 बजे तक हम लोग 10 बजे से फिर वहीं पर बैठ गए धरने पर। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहाँ से उठेंगे नहीं। इस आधार पर पूरा दिन बीत गया। हम लोग लगभग 10:30 बजे से लेकर अभी शाम 7 बजे तक हम लोग बैठे हुए वहाँ पर, मगर वहाँ ना किसी से मिले हुए ना ही बाहर निकले। अभी अभी जब वे बाहर निकले तो मिलने के बजाय उनके जो ठेकेदार लोग थे और उनके जो कार्यरत कर्मचारी लोग भी थे जो नगर निगम के, वो लोग ही उनको घेर कर बाहर निकाले। बाहर निकालने पर भगदड़ जैसा बच गया। हम लोग सभी तो मिले नहीं बात करने को, और उन्हीं लोग के कर्मचारी के बदलत से धक्का मुक्की किया गया। हम लोग को भगा दिया गया, मारपीट किया गया, धक्का मुक्की नगर आयुक्त से भी धक्का मुक्की किया गया, हम लोग से भी किया। हाँ, वहाँ के नगर निगम के जो ठेकेदार लोग थे वो थे, और कुछ उसमें से उनके बोले ना कि कोई भी कर्मचारी का जो वहाँ काम करते हैं उनके कर्मचारी भी कुछ थे जो खुद उनके ही कर्मचारी थे। वो हम लोग के बदौलत अपने अंदर के भड़ास को निकालने की कोशिश किए, हम लोग को फंसाने की। सभी धक्का मुक्की किया गया, नगर आयुक्त जो खुद किए उनके ही कर्मचारी और उनके ही ठेकेदार लोग। अब क्या था आपसी रंजिश वो हम नहीं बता पाएंगे, वो तो उनके ही अंदर का बात है, जो चीज हम नहीं क्लियर बता पाएंगे। हो सकता है उनसे अगर आपसी कुछ मतभेद हो तो वो चीज उनका था। उस आधार पर हम लोग जो बैठे हुए थे अपने नियोजन की मांग को लेकर, तो हम लोग भी उनसे मिलने के आशय पे ही बैठे हुए थे, मगर उस जगह पर क्या हुआ हम लोग से मिले नहीं। बाकायदा हम लोग को वहां से धक्का मुक्की करके हटा दिया गया। हम लोग भी पीछे बैठे के कहीं मिले तो तब तक तो भगदड़ ही मच गया और नगर आयुक्त को भी रोड पर घेर लिया गया। घेर लिया के बाद पुलिस प्रशासन के सामने उनको गाड़ी पर बैठा कर किस तरह से उनको निकाला गया, और वहां से जाने के बाद वो लोग खुद एक गुट बनाकर पूरे
मतलब लाठी डंडे का साथ हाँ अभी कितना दिन आप लोग धरना में? हम लोग तो धरना में सर आज धरना का 351 दिन हम लोग बैठे हुए हैं धरना में। आज साल भर होने वाला है, यहाँ उठाने के लिए आए थे। वही चीज हम बता रहे हैं कि उसके बाद जब वहाँ से नगर आयुक्त निकल गए, जब वहाँ से नगर आयुक्त निकल गए, निकलने के बाद वहाँ से वो लोग एकजुट होकर लाठी डंडे लस के साथ यहाँ पर आए हम लोग के पास। हम लोग को धमकाने लगे कि यहाँ से भागो, ये नगर निगम का एरिया है, तुम लोग यहाँ बैठ कर धरना नहीं दे सकते हो, तुम लोग यहाँ से भागो, हम लोग जेसीपी लगाएंगे, तुम लोग यहाँ गेट का नहीं कर रहा है। हम लोग को डर लग रहा है, हम लोग को मारने का धमकी दे रहा है, हम लोग को हटाने का धमकी दे रहा है। वही लोग थे नगर निगम के जो ठेकेदार लोग थे, जो वहाँ पर हाथापाई किए, कर्मी लोग भी उसमें से कुछ थे जिनको हम चेहरे से पहचानते हैं, नाम नहीं जानते उनका। इस तरह घटना से हम लोग यही मान करते हैं कि जो धनबाद के जिला प्रशासन है वो हम लोग को प्रोटेक्शन दे। अगर किसी प्रकार का हम लोग के साथ अनहोनी घटती है रात बिरात को, और किस तरह का किसी भी शख्स के साथ कोई घटना घटता है, तो इसका सब पूरा जवाबदेही नोएडा प्रबंधक और यहाँ के कर्मचारी और ठेकेदार लोग को जाएंगे, समझे। और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर से कि जो धमकी देके गए हैं उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोग को तत्काल हम लोगों से प्रोटेक्शन दिया जाए।